सिटी 24 न्यूज आप सभी को देता है सबसे सटीक खबर, क्योंकि यह है सिटी 24 न्यूज हर पल नई खबर। गंगा जमुनी तहजीब का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है जदयू विधायक अमरिंदर कुमार पांडेय उर्फ पापू पांडेय ने। रमजान माह के पाक महीना में मुस्लिम समुदाय के सभी लोग बच्चा से लेकर बूढ़े तक 30 दिन का रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं। आज जदयू विधायक अमरिंदर पांडेय ने अपने पेट्रोल पंप आवास पर रोजेदारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी दिए। मौके पर मौजूद रहे उनके भतीजे जो कि गोपालगंज जिला के जिला पार्षद अध्यक्ष है और भूतपूर्व मुखिया महफूज अंसारी और उनके बहुत सारे सहयोगी। विधायक अमरिंदर पांडेय ने बताया कि हम सन 2002 इफ्तार पार्टी देते आ रहे हैं जब हम गोपालगंज जिला के जिला पार्षद अध्यक्ष थे और जब तक रहेंगे इफ्तार पार्टी देते रहेंगे। मेरे लिए हिंदू और मुस्लिम एक समान है। हम मंदिर बनवाने का काम करता हूँ और मस्जिद भी बनवाने का काम करता हूँ। जिला अध्यक्ष मुकेश पांडेय ने बताया कि हमारे चाचा अमरिंदर कुमार पांडेय जिस तरह बताया कि हम सन 2002 इफ्तार पार्टी देते आ रहे हैं, जब मेरी बारी आएगी तो मैं इफ्तार पार्टी कराऊंगा, मेरे बाद मेरे भाई कराएंगे। वो मेरे परिवार का परंपरा है इफ्तार पार्टी कराना। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। भावना नहीं है कि यहाँ मस्जिद नहीं बनेगा और यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि मैं पूरे जिले की बात करता हूँ। आप किसी से भी जाके पूछिएगा कि हाँ भाई लोग मस्जिद में मदद करते हैं कि नहीं, मंदिर में मदद करते हैं कि नहीं, तो आपको अब हमको कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग मंदिर बनवाने का भी काम करते हैं और मस्जिद बनवाने का भी काम करते हैं, इसलिए हमारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग भाई हैं और यह एक पर्व है, बहुत पवित्र पर्व है। मैं अपने दिल से, मेरा नाम मुकेश पांडे है, मैं जिला परिषद अध्यक्ष हूँ यहाँ का, और आज हम इफ्तार पार्टी में आए हुए हैं हमारे परिवार द्वारा। हमारे चाचा श्री अमरिंदर कुमार पांडे माननीय कुचायकोट विधायक हैं और उन्होंने आयोजन रखा था उन्होंने, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई सभी को हम आमंत्रित किए थे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, मेरा परिवार जो शुरू से ही ऐसा ही रहा है, ठीक है, और अभी चाचा कर रहे हैं, जब मैं करूँगा फिर मेरे भाई करेंगे, तो जो परंपरा चली आ रही है मतलब पहले से ही, उसको हम बरकरार रखेंगे और हमेशा की तरह जैसे मतलब सभी को हम एक समान मानते हैं हम मानते रहें।